हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी फोन पुराना है जो बंद पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे ऑन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका कोई सा भी एंड्रॉयड फोन है और वो बंद हो गया है और ऑन नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब वो बंद हो गया है तो आप उसके पावर बटन को यूज करते होंगे, पावर बटन दबाएंगे तो उस पे पावर ऑन नहीं होता है। तो आप ये समझ जाते हैं कि अब हमारा फोन ऑन नहीं होगा, या मिस्त्री के पास ले जाते हैं, वो कुछ और कहता है, जो मोबाइल का मिस्त्री होता है, इसमें इतने खर्च लगेंगे या ऐसे इसका चेंज करना पड़ेगा पार्ट्स को, तभी ये ऑन होगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने आती है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा फोन कैसे बंद हो गया है और ये अब ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे ऑन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो तरीका इतना अच्छा है और टेस्टेड है कि आपका जो भी एंड्रॉयड फोन बंद पड़ा हुआ है, जिसको आपने घर में रख दिया है, वो फोन आपका बिल्कुल ऑन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वही काम आपको करना है और आपका बंद फोन ऑन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये जो मैं तरीका बताऊंगा, यह तरीका को आपको किसी चलते हुए फोन पे या नए फोन पे इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका नया फोन और चलता हुआ फोन खराब हो सकता है। यह तरीका सिर्फ आपको वहीं पे यूज करना है जो फोन आपका बंद पड़ा हुआ है। अगर आप उसके पावर बटन को दाबते हैं लेकिन फिर भी वो ऑन नहीं होता है तो उसी फोन के ऊपर आपको इसको ट्राई करना है और उसको इस तरीके से आप अपने फोन को ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ये 100% जेन्युइन तरीका है और इससे ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों तरीके को आप ध्यान से देख लीजिए पूरे वीडियो को और समझ लीजिए, आपका फोन बिल्कुल ऑन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिए और सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तरीका आपको अपनाना है। देखिए, इस मोबाइल में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पावर बटन है और यहाँ पे ये वॉल्यूम बटन है, ठीक है। तो अब आपको मैं पहला तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपका फोन बंद हो गया होगा तो जाहिर सी बात है, जब आप पावर बटन को दाबेंगे तो वो ऑन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आपको अब क्या करना है, वो तरीका को देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम वाली जो ऊपर वाली बटन है, उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और प्रेस करके बस एक मिनट या उससे भी आधे मिनट करीब करीब प्रेस करके दोनों को जब आप रखेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये फोन आपके फास्ट बूट मोड में चला जाता है। फास्ट बूट मोड होता है, वो उसमें चला जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपके ये जो स्क्रीन दिख रहा है, जहाँ पे अभी ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एक रीबूट का ऑप्शन, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे लेकिन आपको रीबूट में ही जाना है। तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम वाली डाउन बटन होती है, उसी डाउन बटन से आपको ऊपर और नीचे यहाँ पे जो भी ऑप्शन होंगे उसमें सिलेक्ट करके आप जाएंगे। तो आपको ध्यान रहे कि आपको जाना है रीबूट, जहाँ पे भी लिखा होगा उस ऑप्शन में जाना है। और किस की को यूज करके जाना है, आपको वॉल्यूम वाले डाउन बटन से यूज करके आपको रीबूट के सेक्शन में जाना है। जब आप रीबूट के ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे जो पावर बटन है उसको प्रेस कर देना है, उसको दाब देना है, और दाबने के बाद से फिर छोड़ देना है तो वो फोन आपका रीबूट होगा। अब आपका फोन जब रीबूट होगा तो पूरी तरह से रिफ्रेश होगा, नए तरीके से वो ऑन होगा, जैसे आपने नया में फोन लिया था उसी तरह से वो फोन ऑन हो जाएगा और आपका बिल्कुल 110% फोन ऑन हो करके आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे
और आप उसे बहुत ही आसानी से यूज करेंगे। लेकिन यह काम सिर्फ एंड्रॉयड फोन पे ही करता है, आईफोन के लिए मैंने ट्राई नहीं किया है, इसलिए इसे आईफोन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये एंड्रॉयड फोन पे ही इसको इस्तेमाल करें। अब देखिए दूसरा तरीका है, अगर आपने ये पहला तरीका को इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी आपका रिबूट का ऑप्शन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल ही बैटरी ड्रेन हो चुकी है, इसलिए आपको बिल्कुल फोन सपोर्ट नहीं कर रहा है फास्ट मोड में जाने के लिए, क्योंकि आपका बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब इस केस में क्या करना है आपको, अगर पहले वाले केस से ऑन नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट होगा आपके फोन का, जहाँ कहीं भी हो आपको चार्जिंग उसको चार्ज में लगा देना है, केबल के थ्रू उसको चार्ज में लगा देना है। लेकिन हाँ, याद रहे कि यहाँ जो भी स्विच होगा चार्जर का भी, वो स्विच को अभी ऑन नहीं करना है। ऑन कब करना है मैं बता रहा हूं, तब ऑन करना है इसको। तो यहां पे पहले केबल को लगा देना है, चार्जिंग वाले केबल को लगाने के बाद फिर से अब आपको यहां पे वॉल्यूम वाली बटन को और पावर वाली बटन को पहले प्रेस कर देना है, पहले दाब देना है, उन दोनों को एक साथ दाबना है, और दाबने के बाद फिर अब आपको क्या करना है उसका स्विच ऑन करना है, जहां पे भी आपका चार्जर का स्विच यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी होगा उसको ऑन कर देना है, और ऑन करके आपको एक मिनट के लिए करीब करीब इस तरह से करके रखना है। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपका जो फोन है वहाँ पे फास्ट रिबूट का ऑप्शन फिर से दिखेगा आपके फोन के ऊपर यहाँ स्क्रीन पे। तो फिर आपको वही काम करना है कि ये वॉल्यूम वाले डाउन बटन से आपको रिबूट सेक्शन में आ जाना है, और रिबूट सेक्शन में जैसे ही आप आ जाएंगे फिर यहाँ पे पावर वाली जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो फिर से आपका फोन रिबूट के ऑप्शन मोड में चला जाएगा और वहां पे रिबूट ले लेगा आपका, और फिर से आपका फोन बिल्कुल नया तरीके से ऑन हो जाएगा जैसा आपने फोन नया में लिया था। तो इसी मेथड को यूज करके आप अपने महंगे से महंगे फोन जो आपके बंद पड़े हैं, जो आपको लग रहा है कि वो फोन खराब हो गया, मेरा ऑन नहीं हो रहा है, या कोई मोबाइल मिस्त्री बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो ये आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने फोन को ऑन कर सकते हैं इस मेथड से, और ये बिल्कुल सही मेथड है और टेस्टेड है, इससे बहुत सारे लोगों का फोन ऑन हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है कि बंद फोन को कैसे ऑन करना है, कोई भी एंड्रॉयड फोन अगर बंद पड़ा हुआ है तो उसको कैसे ऑन करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और हाँ हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका फोन ऑन हुआ या नहीं हुआ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए सही वीडियो डाल रहे हैं और आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है अगर फोन से रिलेटेड, तो आप अपनी सवाल को हमें कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल के ऊपर हर एक दिन बाद डालते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।